वेलकम टू सिपेट ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा फिलर है और एडिटिव्स हैं वो क्या होते हैं और उनका एग्जांपल्स क्या क्या है और वो हमारा कैसे काम में आते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। इसको हम पेज को अपना बड़ा करते हैं। फिलर, फिलर क्या है? फिलर वे पदार्थ होते हैं जो हमारे कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। जैसे जैसे कि यदि हमारा कोई पेन है, मान लीजिए ये हमारा कोई पेन है, ये हमारा कोई पेन है, इसकी कॉस्ट हमें 10 रुपये पड़ रही है, तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें मिला सकते हैं जिसकी इसकी कॉस्ट जो है हमारी 5 रुपये आ जाए। यानी फिलर्स वे पदार्थ होते हैं जिसको हम प्लास्टिक के जैसे हमारा उसको कॉस्ट रिड्यूस करने के काम में आता है। जैसे हमारी प्लास्टिक की जो बॉटल्स है या कुछ भी चीज़ें हैं जो हमारा प्लास्टिक का कॉस्टली मटेरियल है उसके रेट को रिड्यूस करने में काम में आते हैं। जैसे अब फिलर्स क्या क्या चीज़ हैं, फिलर्स के रूप में हम क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, ये हमारा लकड़ी का बुरादा, चाक पाउडर, ग्रेफाइट, ग्लास फाइबर आदि का प्रयोग, हम माइका रेनफोर्स का प्रयोग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन को बढ़ाता है, यानी इन सभी चीज़ों का प्रयोग हम फिलर के रूप में कर सकते हैं। जो माइका रेनफोर्समेंट है इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल के इंसुलेशन को बढ़ाता है। अब देखते हैं एडिटिव्स क्या होते हैं और एडिटिव्स कौन कौन से होते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या क्या है। एडिटिव्स, ये जो एडिटिव्स होते हैं ये प्रोडक्ट के कॉस्ट को रिड्यूस करें या ना करें लेकिन उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, जैसे हमारा कोई वाटर टैंक है, वाटर टैंक हमेशा धूप में पड़ा रहेगा, उसके वजह से उसमें जो हवा और धूप के रिएक्शन से होगा तो वो हमारे वाटर टैंक का क्या होगा, क्षरण होने लगेगा। जैसे हम आपको फिगर दिखाते हैं कुछ इस तरह का दिखता है। ये हमारा वाटर टैंक है, जब धूप और जो ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो ये हमारा ऊपर की जो परत बनी हुई है, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्षरण हो रहा है। तो जब हम इसमें क्या मिलाते हैं, एक मिनट, अब उसका क्षरण रोकने के लिए यानी जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल है वो और अधिक दिन तक चले उसको रोकने के लिए हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वे हमारे मटेरियल होते हैं जो हमारा धूप से भी ना रिएक्शन करे और ऑक्सीजन से भी ना रिएक्शन करे। यदि और धूप और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और वाटर टैंक से ये रिएक्शन करेंगे तो सेम जैसे हमने आपको फिगर में दिखाया उसी तरह से इसका क्षरण होना शुरू हो गया और धीरे धीरे हमारा वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हमारे हैं, जैसे 3,5-डाई टेट्रा ब्यूट्रिल 4-हाइड्रोक्साइड क्लोरोसिनामेट, एक ये है, और 2,4-डाई टेट्रा ब्यूटिल फेनिल है, ये हमारा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। अब हम देखते हैं हीट स्टेबलाइजर, हीट स्टेबलाइजर हम इसीलिए मिलाते हैं कि जब हम इसमें गर्म पानी या कुछ डालें तो ये अपना शेप चेंज ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ये बियर कर सके। अब हम आते हैं अपना थर्ड नंबर पे है हमारा ये फ्लेम रिटार्डेंस। फ्लेम रिटार्डेंस क्या होते हैं, जैसे अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक स्विच है या इलेक्ट्रिक बोर्ड है, अगर उसमें अचानक से आग लग जाती है तो उसमें क्या होगा कि जब आग लगने के बाद वो हमारी स्विचेज कुछ ज़्यादा फ्लेम ना करें, जैसे अगर ज़्यादा फ्लेम करेंगी तो उससे आसपास की जो चीज़ें हैं उसको भी जलने का खतरा ज़्यादा रहेगा, इसीलिए हम फ्लेम रिटार्डेंस मिलाते हैं जो हमारे फ्लेम को ज़्यादा बढ़ने ना दें। जैसे ये हमारा मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक स्विच है, हम इसको फोटो दिखाते हैं आपको, ये है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच जिसमें हमारी जो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, तो
जब इलेक्ट्रिक स्विच बर्न करे या शॉर्ट सर्किट की वजह से बर्न करे तो ये ज़्यादा फ्लेम ना दे, सिर्फ ऐसे धुआं करके, ये जलने के लिए जले लेकिन पूरी तरह से फ्लेम ना दे, क्योंकि अगर फ्लेम देगा तो बाकी चीज़ों को नुकसान होने का खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या मिलाते हैं? फ्लेम रिटार्डेंस। अब फ्लेम रिटार्डेंस हमारे कौन कौन से हैं? ये है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हमारा फ्लेम रिटार्डेंस मिलाते हैं। उसी तरह हीट स्टेबलाइजर में बेरियम, कैडमियम, जिंक, ईटीसी आदि मिलाते हैं। अब ये हमारा यूवी स्टेबलाइजर क्या है? यूवी स्टेबलाइजर है, जैसे हमारा जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज को ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगा और जो उसके अंदर रखा हुआ मटेरियल वो भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो उसके लिए हम हीट यूवी स्टेबलाइजर के रूप में क्या मिलाते हैं? बेंजोफिनोन और बेंजोट्राइजोल्स मिलाते हैं। अब हम कलरेंट, कलरेंट क्या होते हैं? कलरेंट वो होते हैं जो हम प्रोडक्ट को फार्मेशन करते हुए उसका जो कलर देते हैं, जैसे ये हमारी बॉटल्स है, ये हमारा जो इसका कलर है ये कलरेंट की वजह से आता है, कलरेंट। अब उसमें कलरेंट में हम क्या क्या देख सकते हैं? पिगमेंट। कलरेंट के लिए हम जो हमारा एग्जाम्पल है डाई एरिल पिगमेंट या एजो डाई और या ऑयल ब्लू यानी एंथ्राक्विनोन मिलाते हैं। जो हमारा पिगमेंट है उसके लिए हम ये चीज़ें मिलाते हैं। अब एंटी ब्लॉक एजेंट क्या होते हैं? एंटी ब्लॉक मटेरियल ये वे मटेरियल होते हैं जो जनरली हम एलडीपी और एलएलडीपी फिल्म के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारा हम फिल्म का फॉर्मेशन करते हैं तब ये एक दूसरे, उस दौरान ये जो फिल्म है वो आपस में चिपके ना, वो न चिपकें, इसीलिए हम एंटी ब्लॉक एजेंट मिलाते हैं, जिससे कि हमारी फिल्म आपस में न चिपकें और प्रॉपर वे में हम उसको कलेक्ट करते रहें। इसके लिए हम सिलिका, कोएलिन, माइका एंड कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं।